सैमसंग का पहला ट्रिपल रियर कैमरा वाला स्मार्टफोन गैलेक्सी S7 2018 को लॉन्च कर दिया गया है। ये सैमसंग का पहला स्मार्टफोन है जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसे स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन और इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। यह फ़ोन कई मायनों में खास है। इसमें फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है। गैलेक्सी S7 2018 कंपनी का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो ट्रिपल रियर कैमरा के साथ आता है। इस फ़ोन में कुल 4 कैमरे लगे हैं। हालांकि फ़ोन को अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कंपनी फ़ोन को भारत में लॉन्च कर सकती है। इससे पहले सैमसंग ने हाल ही में सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस को लॉन्च किया था। सैमसंग गैलेक्सी S7 2018 की स्पेसिफिकेशन और फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले और डिजाइन की। सैमसंग गैलेक्सी S7 2018 में 6 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी डिस्प्ले दिया गया है। इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2280 पिक्सल है। वहीं इसका एस्पेक्ट रेशियो 18.5:9 है। फ़ोन डुअल सिम को सपोर्ट करता है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड 8 ओरियो पर चलता है। फ़ोन को पावर देने के लिए इसमें ऑक्टा कोर चिपसेट लगा है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.2 GHz का है। फ़ोन की रैम और स्टोरेज की बात करें तो फ़ोन को 4 GB, 64 GB और 6 GB, 128 GB के दो वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। बात करते हैं इस फ़ोन के सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो कि इसका कैमरा है। सैमसंग गैलेक्सी S7 2018 ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है। इसके रियर में 24 MP का ऑटो फोकस सेंसर है जिसका अपर्चर F1.7 है। इसके साथ इसमें 8 MP का दूसरा सेंसर लगा है जिसका अपर्चर F2.4 है। वहीं स्टेबिलिटी के लिए इसमें 5 MP का तीसरा डेप्थ सेंसर दिया गया है जिसका अपर्चर F2.2 है। बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे की तो सेल्फी के लिए इसमें 24 MP का फिक्स फोकस सेंसर दिया गया है जिसका अपर्चर F2.0 है। कनेक्टिविटी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S7 2018 में कनेक्टिविटी के लिए 4G वोल्टी GPS डुअल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 5 और 3.5 mm हेडफोन जैक दिया गया है। फ़ोन को पावर देने के लिए सैमसंग गैलेक्सी S7 2018 में 3300 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन की कीमत की बात करें तो सैमसंग ने इस फ़ोन की कीमत का अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस फ़ोन का प्राइस 28,000 के आसपास होगा। हालांकि कंपनी ने इतना ज़रूर साफ किया है कि यह यूरोप और एशिया के कुछ मार्केट में अवेलेबल होगा। तो आपको इस स्मार्टफोन का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा और आप इस स्मार्टफोन के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें।